कहेंगे जो पेंटिंग एक अद्भुत पेंटिंग हम देख रहे हैं, पेंटिंग के बारे में जानना? यहाँ पे आके बहुत प्लेजर मिल रहा है, बहुत खुशी मिल रही है कि आई एम द प्लेजर कि मैं इसका पार्ट बनी हूँ ये वाले एग्जीबिशन का. सो आई एम वेरी हैप्पी सो द पार्ट ऑफ दिस एग्जीबिशन. मैम आज एग्जीबिशन का पहला दिन है, अगर रिस्पॉन्स का बात करें लोगों का क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्या रिस्पॉन्स जैसे कितने भी एग्जीबिटर विजिटर आ रहे हैं? सो गुड, इट्स वेरी गुड. मैम अगर हम प्लेटफॉर्म का बात करें, आर्ट के लिए कैसा क्या एग्जीबिशन होना चाहिए कि ऐसे प्लेटफॉर्म मिले? आज की युवाओं को हम देखें तो वो आर्ट से दूरी बनाते जा रहे हैं. यस, ये इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि सब ने इसमें आना चाहिए और ये हमेशा ऐसे एग्जीबिशन होने चाहिए और सब लोगों को, सब आर्टिस्ट जितने भी है जिनको कभी रह गया होगा, उनको कुछ प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा होगा तो वो ज़रूर मिलना चाहिए. और मैं चाहती हूँ सब लोगों ने यहाँ पे आके अपना हुनर दिखाना चाहिए जो भी है. इससे क्या होता है कि आपकी विजुअलिटी, आपके मेडिटेशन, आपकी सारी चीज़ें खुल के आपका हैप्पीनेस, आपको खुद को वक्त देके काम करके आना चाहिए, आगे आना चाहिए और हर आर्ट निकल के बाहर आना चाहिए. और यहाँ पे मुझे लगा है कि एग्जीबिशन में कि सारे आर्टिस्ट, बहुत गिने चुने आर्टिस्ट जो होते हैं बोलते ऐसे नहीं है, यहाँ पे सारे आर्टिस्ट जो है अपने आप में उनका खुद का अलग अलग हुनर और सब बहुत अच्छे हैं. मेरे ख्याल से हार्ट ऑफ आर्ट इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर आर्टिस्ट. थैंक यू मैम. वैसे ये पेंटिंग्स नहीं है, पहली बार ये सारे के सारे फोटोग्राफ्स हैं और जो अगरबत्ती का धुआं निकलता है उस धुएं का फोटोग्राफ्स है सब कुछ. सर आज एग्जीबिशन का पहला दिन है, लोगों को रिस्पॉन्स किस तरीके से मिल रहा है आपके स्टॉल पे? रिस्पॉन्स तो बहुत ही अच्छा रहा है. सारे के सारे जो विजिटर्स आए हैं उन्होंने बहुत ही पसंद किया इस काम को और सभी ने यही कहा है कि इस तरह के आर्टवर्क्स पहले कभी नहीं देखा है. क्या सर ऐसा एग्जीबिशन होना चाहिए कि लोगों को प्लेटफॉर्म मिले अपना हुनर बाहर ला के दिखाएं, क्योंकि ऐसा एग्जीबिशन नहीं होने से आज कुछ युवा हैं जो आर्ट से दूरी बनाते जा रहे हैं? सर क्या ऐसा एग्जीबिशन नहीं होगा, लोग जो आज की हुआ है आर्ट से उनकी दूरी बनती जा रही है, क्या उनके लिए कैसा एग्जीबिशन होना चाहिए? आए कई दिनों के बीच में को आए ऐसे आर्ट देखे, उनके भी अंदर एक इच्छा जागे आर्ट की? बिल्कुल, क्योंकि मेरे ख्याल से आर्ट जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देखते हैं और जो इन रियल देखते हैं बहुत ही फर्क होता है, तो ऐसा एग्जीबिशन होना बहुत ज़रूरी है. उनके लिए तो मैं थैंक यू कहूँगा क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी उन्होंने दिया है बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है सब आर्टिस्ट के लिए. थैंक यू. या हेलो एवरीवन, तो मैंने ये हार्ट ऑफ आर्ट एग्जीबिशन में फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया है एंड इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. ये सारी जो डिफरेंट पेंटिंग्स आप देख रहे हो दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मीडियम्स, लाइक वाटर कलर्स है, इंक है, कैनवस पे बनाया है एंड ये स्पेशल कलेक्शन है टेडी बेयर्स पे, दे आर माई कलेक्शन. एंड मैम लोगों का आज पहला दिन है एग्जीबिशन का, हाँ, तीन दिन का एग्जीबिशन, लोगों के क्या रिस्पॉन्स दिख रहा है पेंटिंग को लेके? अच्छा, उनको ये सारे कलरफुल पेंटिंग्स देखकर बहुत अच्छा लग रहा है एंड सम ऑफ देम आर वेरी एक्साइटेड और उनके लिए एक नया एक्सपीरियंस है कि अच्छा ये एक दो पेंटिंग्स इंक से बनाई है, कोई पेंटिंग्स जो है वो एक सिंगल वाइट ग्लास पेंसिल आती है उससे बनाई है. सो दे उनको एकदम ऐसे शॉकिंग भी लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है कि अच्छा ये बेसिक मटेरियल से हम इतने अच्छे पेंटिंग्स बना पा रहे हैं. मैम आप लोग कहाँ से आए? मैं कांदिवली से आई हूँ मुंबई में एंड मेरा खुद का क्लासेस है द आर्टिस्टिक लॉन, जहाँ पे मैं पेंटिंग्स सेल भी करती हूँ और बच्चों और बड़ों को आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाती हूँ. मेरे क्लासेस रजिस्टर्ड है एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज भी मैं देती हूँ. थैंक यू सो मच. जी, मेरा नाम ज्योत्सना शुक्ला है और मैं हार्ट ऑफ आर्ट में मैंने पार्टिसिपेट किया हुआ है और इस एग्जीबिशन को मैंने जब देखा तो मुझे लगा कि हाँ ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे, हम आर्टिस्टों के लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर है जिसमें हम पार्ट ले करके अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, अपने आप को दिखा सकते हैं अपना काम. और मैं कंटेम्प्रेरी बेस्ड आर्टिस्ट हूँ जो मैं एक्रेलिक ऑन कैनवस पे काम करती हूँ. मेरा फ्री स्टाइल है मेरा या खुद का स्टाइल है जो भी आप देख रहे हैं.
मेरा यूनिवर्सल मदर को लेकर के है। मेरा यूनिवर्सल मतलब मदर मीन्स जो सबकी माँ हो, और माँ किस तरीके कितनी मतलब ममत्व उसके अंदर, कितना प्यार, सारी चीज़ें उसके अंदर होती है। मैंने गॉडेस लक्ष्मी को भी इसमें किया है, जो हम देवी देवताओं को भी अपने कनेक्ट करते हैं। माँ और बच्चे का भी प्यार है इसमें हर तरीके से। नेचर को भी मैंने इंक्लूड किया है कि जैसे माँ का स्वभाव और नेचर का, प्रकृति का जो स्वभाव होता है वो सिमिलर सा होता है, मिलता जुलता सा होता है। तो मैंने अपनी पेंटिंग्स में ये सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश की हैं। बाकी एक मेरी वो गॉडेस लक्ष्मी, जिसमें मैंने एक ब्रह्मांड को दिखाने की कोशिश की है उस पेंटिंग के अंदर, कि मतलब एक पर्सनालिटी के अंदर कितने रूप हो सकते हैं किसी एक व्यक्ति के अंदर। बेसिकली मैं लेयर्स और इन सब चीज़ों पे काम करती हूँ। मैम, लोगों का क्या आज पहला दिन एग्जीबिशन, 3 दिन का आज पहला दिन एग्जीबिशन का, अगर लोगों को रिस्पॉन्स का बात करें, लोगों का कैसा रिस्पॉन्स आ रहा? बहुत ही अच्छा, बहुत शानदार। हर किसी ने अप्रिशिएट किया, और कि बहुत डिफरेंट तरीके का काम देखने को मिल रहा है, ऐसा सबका कहना है, तो काफ़ी अच्छा लगा। जी हाँ, वेलकम वेलकम। हाँ हाँ, माझं नाव नैना नायक आहे, मी दादरमध्ये राहते। मी फाईन आर्ट आणि मिल्क मल्टीमीडिया हे करते, पेंटिंग। आता माझं इथे सगळं हे थीमवर बेस्ड आहे, असं नाही आहे की कुठे कॉपी केलेलं वगैरे, असं नाही आहे। ऑल हे पेंटिंग्स एक ह्याच्यावरती थीमवर मी हे घेतलेलं आहे। ह्याच्यात मी नवीन रेझिन आर्ट पण केले इथे, मी ह्याच्यावरती पण रेझिन आर्ट, म्हणजे ॲक्रिलिक आणि रेझिन आर्ट असं मिक्स करून मी हे केलेलं आहे। कशाबद्दल काय सांगायचं अजून? कसं तुमच्या स्टॉलमध्ये विजिट म्हणजे माझे स्टॉल नंबर आहे I-16, आता नंबरची थोडी चेंज होईल, I-16 इज अ स्टॉल नंबर। आणि मी फेसबुकवर पण आहे आणि इन्स्टावर पण आहे, माझा आय डी आहे नैनाज फाईन आर्ट्स म्हणून आहे। इफ यू वॉन्ट टू फॉलो इन्स्टावर, तर इन्स्टा फॉलो करू शकता। आणि मी कस्टमाईज हे पण करून देते सगळं, कुठल्याही प्रकारचे, कुठलंही कलर कॉम्बिनेशन, वॉट एवर कॉम्बिनेशन, अकॉर्डिंग टू म्हणजे तुमचा घरचा किंवा मोठे मोठे रेसॉर्ट्स हे ते सगळं, वॉट एवर आय टेक द ऑर्डर्स ऑल्सो।